जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं? फिर साथ करते हैं आपके अपने YouTube चैनल ए टू जेड फौजी ब्लॉग में। आपके बार बार कमेंट आ रहे थे कि सर वेटनरी पे वीडियो बनाइए, वेटनरी टेस्ट में क्या होता है, उसी पे आज वीडियो लेकर आए हैं। तो देखिए, जो जिन्होंने भी सीआरपीएफ पैरामेडिकल का वेटनरी के लिए भरा है फॉर्म, उसके लिए क्या टेस्ट होने वाले हैं, उसके लिए अभी हमने कोई वीडियो दिया नहीं था, इसलिए आपका बार बार कमेंट से हम ये वीडियो लेकर आए हैं। चाहे आप देखिए किसी भी विभाग का हो, चाहे सीआरपीएफ में हो, चाहे बीएसएफ में हो, चाहे आईटीबीपी में हो, किसी भी विभाग में अगर वेटनरी के लिए फॉर्म भरते हैं तो आपके महत्वपूर्ण सवाल जो होते हैं, आपसे क्या पूछे जाते हैं और क्या क्वेश्चन आते हैं उस पर बात करेंगे, और आपसे क्या कराया जाते हैं उस पर भी बात करेंगे। तो पहले अभी बात कर लेते हैं आपसे कौन कौन सा सवाल पूछे जाएंगे, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसी को हम लेके आए हैं। देखिए, वीडियो बनाने में कम से कम 6 से 7 घंटे लगते हैं, पूरे एक एक चीज को बारीकी से देखना, खोजना, सर्च करना, और उसमें से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन छांट के फिर आपसे द्वारा पूछे गए सवालों को जवाब देना एक बहुत कठिन काम हो जाता है। लेकिन आप क्या करते हैं, 1-2 मिनट में स्क्रिप्ट करके देख लेते हैं। चलिए, आपको अगर 1-2 मिनट में ही समझ में आ जाता है तो अच्छी बात है, लेकिन कोई सा भी वीडियो बनाने में हमें 6-7 घंटा लगता है। तो कम से कम 10 मिनट का वीडियो तो आप उसको एक बार वॉच कीजिए। अगर आप स्किप करके देखते हैं, अगर ऐसा कोई क्वेश्चन अगर बीच में स्किप हो जाता है ना, तो आपको जब एग्जाम में आ जाता है तो फिर आपको प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है, फिर आप वहाँ बता नहीं पाते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ, जो जो भी क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट आप उसी पर बात करेंगे। तो देखिए, अभी हमने स्पेशली बनाया है आपको सीआरपीएफ के लिए, ठीक है ना? सीआरपीएफ चाहे आप बीएसएफ में भी आ सकता है, आईटीबीपी में भी आ सकता है, किसी भी वेटनरी एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं। चलिए, देर न करते हुए शुरू करते हैं आज का वीडियो। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को शुरू से अंत तक वॉच कीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आएगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल वाले घंटे को प्रेस कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। चलिए, देर न करते हुए शुरू करते हैं आज का। देखिए, वेटनरी टेस्ट क्वेश्चन एंड आंसर है जो सीआरपीएफ, एसएसबी, बीएसएफ, आईटीबीपी, सीआईएसएफ, किसी भी विभाग में ये जब आपका वेटनरी का टेस्ट होता है, ट्रेड का या एग्जाम होता है, तो आपके इस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं। तो कौन कौन सा क्वेश्चन होते हैं जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वही हम आपसे 20 से 21 क्वेश्चन है टोटल, उसी पर बात करेंगे। तो पहले देखिए, अगर अगर आप जा रहे हैं टेस्ट के लिए सपोर्ट डेट, तो आपसे क्या क्या पूछे जाते हैं कि देखिए कि ज्यादा क्या है, फौज में कौन से होते हैं जैसे डॉग है और घोड़े होते हैं। आप बीएसएफ में जाओगे तो उनको पास ऊंट देखने को मिलता है, तो अगर बीएसएफ टेस्ट में जाएंगे तो ज्यादा ऊंट के बारे में पूछते हैं। अगर सीआरपीएफ के बारे में आप जाते हैं, सीआरपीएफ, एसएसबी में, बीएसएफ में, बीएसएफ पे तो ऊंट का हो गया, सीआरपीएफ वगैरह में आते हैं तो आपको डॉग और घोड़े के बारे में ज्यादा पूछे जाते हैं। क्या क्या पूछे जाएंगे और कौन कौन सा टेस्ट होता है, चलिए बात करते हैं। तो पहले तो आपसे पूछेगा सर, डॉग कितने प्रकार का होता है? तो डॉग बहुत प्रकार के होते हैं। तो देखिए क्या आता है, हमने 6-7 डॉग का नाम लिखा, आप याद कर लीजिएगा। देखिए, लेब्रा डॉग एक में, जर्मन शेफर्ड डॉग, ये दोनों क्या है ना, ज्यादा एस्कॉर्ट का जो काम करते हैं ना, बॉम्ब वगैरह जो उसमें और स्नाइपर वगैरह के काम में ही आते हैं दोनों डॉग। उसके बाद देखिए, फ्रेंच मेस्टी डॉग, ठीक है, सेंट बर्नार्ड और ग्रेहान डॉग, ये क्या है, लॉन्ग, थोड़ा सा बड़े डॉग होते हैं, ये क्या होते हैं, थोड़ा सा छोटे डॉग होते हैं, ठीक है। अब देखिए, दो और हैं जो ज्यादातर के फौज में यही डॉग इस्तेमाल किए जाते हैं। एक तो बेल्जियम शेफर्ड का होता है, एगो डच शेफर्ड का डॉग होता है, जिसको इंग्लिश में बीएसएम और डीएसएम के नाम से जाने जाते हैं। ये ज्यादातर के अर्धसैनिक बल में ज्यादा ये डॉग पाए जाते हैं। अब बात करते हैं, चलिए आपका क्वेश्चन और आंसर पे जो भी आपसे सवाल जो पूछते हैं, क्या क्या पूछ सकते हैं, तो उसी पर देखिए बात करते हैं। तो देखिए, शुरू करते हैं। देखिए लिखा है, कुत्ता किस प्रकार का सजीव प्राणी है, ठीक है, इधर से दिखा रहे हैं, कुत्ता किस प्रकार का सजीव प्राणी है, तो कौन सा है, अरुमंथी, ठीक है ना, डॉग क्या है, अरुमंथी प्राणी है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देखिए, कुत्ते का गर्भकाल कितने दिन में हो जाता है? अगर आप जा रहे वेटनरी टेस्ट के लिए तो आपसे पूछेगा कुत्ते का गर्भपात कितने दिन में हो जाता है, तो 62 दिन यानी 2 महीना 2 दिन का समय लगता है। कुत्ते के मुंह के अंदर कितने दांत होते हैं? कुत्ते का जो डॉग का दांत होता है कितने होते हैं, तो आपको क्या बताना है, 42, ये याद करके रख लेना है, लिख के भी रख लीजिए, ठीक है। अब बताए, प्रथम पालतू जानवर कौन सा है, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है। अगर जो ही आप जाइएगा टेस्ट के लिए तो आपसे पूछ देगा प्रथम पालतू जानवर कौन सा है, तो सबसे प्रथम पालतू जानवर कौन सा था, डॉग, कुत्ता, ठीक है, कुत्ता, ठीक है। अब देखिए, कुत्ते में डॉगिंग का सही उम्र क्या है, डॉगिंग मतलब क्या होता है, आप डॉगिंग क्या समझते हैं? देखिए डॉगिंग, हम बताते हैं जो डॉगिंग होता है ना, तो डॉगिंग जिसे कुछ देखे होंगे, कुत्ते का पूंछ काट दिया जाता है, किसी का कान काट दिया जाता है, उसको डॉगिंग किया जाता है।
तो जो डॉगिंग होता है ना, वो देखिए 3 से 5 दिन के होता है, जब उसका डॉगिंग कर दिया जाता है, पूंछ काट के सर्जरी या कान काट के सर्जरी कर दिया जाता है। ये कौन सा डॉग होता है? डावरमैन डॉग, ठीक है ना, डावरमैन डॉग होता है। उसको ज्यादातर के लोग घर वगैरह में पालते हैं, उसका पूंछ वगैरह काट के या सुंदरता के लिए या जो भी है उसके लिए कर देते हैं। लेकिन कितने दिन में डॉगिंग किया जाता है? 3 से 5 दिन में। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये याद रखिएगा, कुत्ते का डॉगिंग कितने दिन में किया जा सकता है? तो 3 से 5 दिन में, ठीक है, 5 दिन के अंदर के कुत्ते का उम्र होता है उसका कर दिया जाता है। कुत्ते के सांस लेने की दर प्रति मिनट क्या होता है? जब आइए जाइएगा टेस्ट में तो पूछेगा कुत्ते की सांस लेने की प्रति दर क्या मिनट होती है, तो 15 से लेकर 30 बार प्रति मिनट में वो कुत्ता सांस लेता है, ठीक है। कुत्ते का समान नाड़ी दर, ठीक है, प्रति मिनट कितना होता है? यानी जो हमारा जो पंपिंग करता है ना, जो रक्त, जो नाड़ी जो हमारा होता है, तो प्रति मिनट कुत्ते का कितना होता है? तो कुत्ते का देखिए 90 से 120 प्रति मिनट होता है, ठीक है। अब देखिए कुत्ते को आईवी इंजेक्शन देते समय कौन सी सिरा काम में लिया जाता है? यानी कुत्ते को अगर आईवी का इंजेक्शन देते हैं तो कौन सा हिस्सा शरीर का काम में लिया जाता है? तो उसका सही आंसर आपको हो जाएगा सेफेलिक वेन, ठीक है ना, सेफेलिक वेन, जो आगे के और उसका जो वेन होता है नस, उसको काम में लिया जाता है और वही उसको इंजेक्शन वो दिया जाता है। कुत्ते का नाड़ी दर नापने के लिए कौन सा धमनी काम में लिया जाता है? यानी कुत्ते का जो नाभि नापे जाते हैं, रक्त का जो संचार है, कौन सा धमनी काम में लिया जाता है? देखिए फेरोमोन अतरी, ठीक है ना, फेरोमोन अतरी का इस्तेमाल भाग लिया जाता है काम में। अब देखिए दूसरा 10वां क्वेश्चन है आपको, देखिए 9 करा दिया, बहुत जल्दी जल्दी वीडियो बना रहा हूँ, सिर्फ आपको क्वेश्चन को लिख लेना है। अगर पीछे छूट जाता है तो आप पीछे करके इस क्वेश्चन को आप एक बार लिख लीजिएगा, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। अब देखिए कुत्ते के बाल का झड़ना, ठीक है, झुड़ीदार लाल रंग की त्वचा किस बीमारी से होता है? ठीक है, आप क्वेश्चन साफ है, कुत्ते के बाल का झड़ना झुड़ीदार लाल रंग की त्वचा किस बीमारी से हो जाता है? देखिए डेमोमेट्रिक मैनेज के अंदर, ठीक है ना, उसके अंदर इसके बीमारी ये आता है। बीमारी का नाम क्या है? डेमोडेट्रिक मैनेज बीमारी का ये नाम है, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं, अब आ जाते हैं किस पे, ये तो कुत्ते हमारे पास जो होते हैं, आप देखेंगे सीआरपीएफ में भी घोड़े होते हैं, बीएसएफ में भी होते हैं, हर किसी के पास घोड़े होते हैं। अब कुछ घोड़े से सवाल हो गए, ये तो डॉगिंग से हो गए, कुछ घोड़े से सवाल। देखिए घोड़े के साल, हाँ, घोड़ा के साल में सांस लेने की दर प्रति मिनट क्या होता है? सांस होगा, ठीक है ना, सांस, सॉरी, हाँ, घोड़ा के सांस लेने की प्रति दर मिनट क्या होता है? तो 8 से लेके 12, ठीक है, प्रति मिनट की दर से होता है। घोड़ा का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? घोड़े का वैज्ञानिक नाम क्या है? आपसे ये पूछ दिए जाएंगे सवाल, क्वेश्चन तो आएगा, अलग बात है जब आप रिटर्न में जाइएगा, लेकिन जब पूछे जाएंगे, कोई आप जाइएगा जब टेस्ट करे तो आपसे पूछेगा घोड़े का वैज्ञानिक नाम बताइए क्या है, तो आपको क्या बताना है? इक्विट कैबलॉर्स, ठीक है ना, इक्विस कैबलॉर, ठीक है, ये हो गया आपका। घोड़ा एक दिन में कितना पानी पीता है? नॉर्मल सवाल है, जब आप टेस्ट में जाइएगा तो एग्जामिनर क्या आपसे पूछ देगा टेस्ट में कि बताइए घोड़ा एक दिन में कितना पानी पीता है? तो कितना पानी पीता है? 36 लीटर एक दिन में घोड़ा पानी पीता है। देखिए घोड़ी कितने दिन में गर्भकाल हो जाती है? ठीक है, घोड़ी कितने दिन में गर्भ काल हो जाती है? तो 341 दिन में वो गर्भकाल हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं आपको, जानवर में रक्त की मात्रा शरीर के वजन से कितने परसेंट होता है? जानवर का शरीर का अलग हो जाता है हेमोग्लोबिन, लेकिन जानवर का कितना होता है? तो 8%, ठीक है ना, शरीर का 8% खून की मात्रा होती है। अब देखिए श्वसन क्रिया का पूर्णता होना क्या कहलाता है? ठीक है ना, श्वसन क्रिया का पूर्ण काम हो जाना यानी बंद हो जाना क्या कहलाता है? वो एपनिया कहलाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट 17 पे बात करते हैं क्वेश्चन पर, ठीक है, वक्षरीय श्वसन किस जानवर में देखने को मिलता है? यानी वो क्या लिखा है, वक्षीय श्वसन, ठीक है, किस जानवर के देखने को मिलता है? तो कुत्ता, ठीक है, कुत्ते की ऐसा जानवर है जिसमें वक्षणीय श्वास लेने की, ठीक है,
जो सांस लेता है ना उसमें वही देखा जाता है। अब देखिए बीमार जानवर को कहाँ रखा जाता है, सिंपल सवाल है, यही सब पूछेंगे, क्योंकि आप उतना ट्रेंड सोल्जर है नहीं, आपने तो बड़े बड़े कोर्स किए नहीं है, आपको तो भर्ती होना है, तो भर्ती में क्या एग्जामिनर ऐसे क्वेश्चन पूछ देते हैं ऐसे ऐसे जो आपको सिलेक्शन हो जाए, बाकी आपका ट्रेनिंग वगैरह तो चलेगा ही। तो इस प्रकार से भी क्वेश्चन कर दिए जाते हैं बीमार जानवर को कहाँ रखा जाता है। तो बीमार जानवर कहाँ रखेंगे हम, आइसोलेशन बॉक्स में, समझिए आइसोलेशन बॉक्स में बीमार जानवर को रखा जाता है। अब देखिए बीएसएफ में कौन सा नस्ल का ऊंट का इस्तेमाल किया जाता है, आप समझे बीएसएफ में कौन से ऊंट का नस्ल का इस्तेमाल किया जाता है। हमने बताया ना बीएसएफ में ऊंट का इस्तेमाल किया जाता है, आपने पिक्चर वगैरह में भी देखा होगा, तो वहाँ ऊंट का इस्तेमाल किया जाता है। तो बीएसएफ में कौन सा नस्ल का इस्तेमाल किया जाता है ऊंट का, तो जैसलमेरी नस्ल का ऊंट जो होता है बीएसएफ में उसका इस्तेमाल किया जाता है। अब देखिए कुत्ते में किस बीमारी को स्टॉगग्राट डिजेसर कहा जाता है, तो लेप्टोस्काइप्रोसिस, ठीक है ना, लेप्टोस्पाइक्रोसिस, ठीक है, ये बीमारी का नाम है, ठीक है ना, लेप्टोस्पाइरोसिस बीमारी है एक, जो कुत्ते की बीमारी को उसको क्या कहता है, डिजेस्ट करता है। अब देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन एक और था, पशु क्रूरता अधिनियम, जो हमने ये क्वेश्चन बताया था ना आपको, कुत्ते में डॉकिंग का सही उम्र क्या होता है, 3 से 5 दिन, लेकिन इस पे क्या है, एक कानून बना हुआ है, किस कानून के अंदर ये दंडनीय अपराध है कुत्ते को, क्योंकि जब उसके कान काटेंगे पूंछ काटेंगे तो पीड़ा होता है, तो वही आप लिया पशु क्रूरता अधिनियम, ठीक है ना, 1960 के तहत अपराध है डॉकिंग, डॉकिंग करना 1960 के तहत अधिनियम 1960 के तहत ये दंडनीय अपराध है। तो आई होप ये जितनी भी जानकारी होगी आपको ये सवाल समझ में आ गए होंगे, अगर नहीं आ रहे हैं तो आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको लिख लीजिए और याद कर लीजिए, आपके टेस्ट में ये पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट स्टेज में हम आपसे मिलेंगे, कौन कौन से दवा होता है, कौन सा सर्जरी सामान होता है उसका, उसका क्या नाम है, और डॉक्टर ज़्यादातर क्या पूछते हैं आपके टेस्ट के समय, उसका नेक्स्ट वीडियो हम लेके आएंगे बहुत जल्द ही, क्योंकि अभी जितनी भी ट्रेड है सभी आप लोग कमेंट करें तो सभी का वीडियो बनाना संभव पॉसिबल नहीं हो पा रहा है, क्योंकि हमारे पास समय की है कमी, क्योंकि ड्यूटी के आने के बाद ही हम आपको ये वीडियो बना के देते हैं, ठीक है, जिन्हें हमको टाइम मिलता है तो हम आपको वीडियो प्रोवाइड कराते रहते हैं। तो आई होप आपको ये जानकारी अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दे, लाइक कर दे, कमेंट कर दे, और आप हमारे चैनल पर नए आए हैं और ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाली घंटी को प्रेस कर दे। फिर मिलते हैं ऐसे इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।